अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 12 जो कंटिन्यू है, हमारा लास्ट लेक्चर भी उसी में से था। हम लोग इसमें कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस के टॉपिक पर पहुंच गए थे। मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स का ये चैप्टर है, तो हमने इसमें इससे पहले एलोहा की टाइप्स वगैरह पढ़ी हैं, जो एक मल्टीपल एक्सेस मेथड है जिसमें हमने स्लोटेड एलोहा और प्योर एलोहा वगैरह पढ़ा। तो नेक्स्ट इस पे कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में CSMA कहते हैं। तो इसमें देखते हैं कि इसकी क्या प्रोसेसिंग वगैरह है डाटा की इस मेथड में। टू मिनिमाइज द चांस ऑफ कोलिजन एंड देयरफॉर इंक्रीज द परफॉर्मेंस द CSMA मेथड वाज डेवलप्ड। क्योंकि हमारे पास डाटा जो है वो जब हम लोग सेंड करते हैं, एक चैनल सेंड करता है, सॉरी एक डिवाइस सेंड करती है, चैनल सेम है तो वो कोलिजन होती है, हमने स्लॉटेड एलोहा और प्योर एलोहा में देखा है। तो ये फिर एक मेथड और डेवलप किया गया। मेथड जो है वो बार बार डेवलप किए जाते रहे ताकि कंटिन्यूसली इनमें जो है हमारे पास कोलिजन के चांसेस कम हो और एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक जो है वो डाटा इजीली ट्रांसफर हो सके। तो मिनिमाइज द चांस ऑफ कोलिजन एंड therefore increase the performance बढ़ाने के लिए हमें data throughput ज़्यादा चाहिए होता है at the receiver end। the CSMA method was developed। the chance of collision can be reduced if a station senses the medium before trying to use it। carrier sense multiple access requires that each station first listen to the medium or check the state of the medium before sending। in other words CSMA is based on the principle sense before transmit। इसलिए इसका नाम रखा गया कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस और लिसन बिफोर टॉक। CSMA कैन रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन बट इट कैन नॉट एलिमिनेट इट। द रीजन फॉर दिस इज शोन इन फिगर 12.8, अ स्पेस एंड टाइम मॉडल ऑफ CSMA नेटवर्क। स्टेशंस आर कनेक्टेड टू अ शेयर्ड चैनल यूजली अ डेडिकेटेड मीडियम। द पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन स्टिल एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ प्रोपेगेशन डिले। व्हेन अ स्टेशन सेंड्स अ फ्रेम इट स्टिल टेक्स टाइम। Although very short, for the first bit to reach every station and for every station to sense it. In other words, a station may sense the medium and find it idle only because the first bit sent by another station has not yet been received. इसकी जो है मैं आपको स्लाइड में से फिगर शो करता हूँ, यहाँ पे कलरफुल नहीं है तो स्लाइड में देखते हैं फिगर। ये चीज जिसमें आपके पास ये चार स्टेशन हैं और जो डाटा सेंड कर रहे हैं। अब यहाँ पे बताया गया कि एरिया वेयर ए सिग्नल एग्जिस्ट, और यहाँ पे दोनों का जो है इस वाले एरिया में दोनों का सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है। क्योंकि जब ये यहाँ पे पहुँच गया तो इसमें जब बी ने जब ट्रांसफर करना है तो ए का सिग्नल भी होगा यहाँ पे, बी ने इसी टाइम पे ए का सिग्नल जो इस तरफ जा रहा है तो बी का सिग्नल भी यहाँ पे, तो इस वाले एरिया में अगर हम लोग देखें तो दोनों के सिग्नल एग्जिस्ट करेंगे। फिर ब्लू वाला एरिया एक, इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे एरिया वेयर बी सिग्नल एग्जिस्ट, यहाँ पे बी का सिग्नल एग्जिस्ट करेगा। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट है CSMA और कोलिजन के चांसेस भी होते हैं। At time t1, station B senses the medium and find it idle, so it sends a frame. At time t2, जिसमें t2 जो है वो greater than t1 है, station C senses the medium and find it idle because at this time the first bits from station B have not reached station C. Station C also sends a frame. The two signals collide and both frames are destroyed. अच्छा, इसमें एक vulnerable time, और the vulnerable time for CSMA is the propagation time TP, which is the time needed for a signal to propagate from one end to from one end of the medium to the other. When a station sends a frame and any other station tries to send a frame during this time, a collision will result. But if the first bit of the frame reaches the end of the medium, every station will already have heard the bit and will refrain from sending. Figure 12.9 shows the worst case. The leftmost station A sends a frame at time t1, which reaches the rightmost station D at time t1,
plus gp. The gray area shows the vulnerable time in time and space. ये आप इसकी फिगर में देखें, जब ए ने एक फ्रेम सेंड किया है तो वो पहुंच रहा है डी तक, तो उसका जो आपके पास प्रोपेगेशन टाइम है वो बराबर है वल्नरेबल टाइम के जो उसमें डिले आ रहा है, ठीक है। इसको हम कहते हैं टी वन प्लस टी पी। ये आपके पास है द लेफ्ट मोस्ट स्टेशन ए सेंड्स अ फ्रेम एट टाइम टी वन विच रीचेस द राइट मोस्ट स्टेशन डी एट टाइम टी वन प्लस टी बी। द ग्रे एरिया शोज द वल्नरेबल एरिया इन टाइम एंड स्पेस। तो ये जो आपके पास हाईलाइटेड एरिया आ रहा है ग्रे सा, ये वल्नरेबल एरिया है इन टाइम एंड स्पेस। नेक्स्ट हमारे पास इसमें परसिस्टेंट मेथड्स हैं। What should a station do if the channel is busy? What should a station do if the channel is idle? इसमें हम लोग ने कुछ मेथड डिफाइन किए हैं कि स्टेशन जो है वो क्या करेगा जब एक चैनल जो है वो खाली है, आइडल मतलब खाली या बिजी है। थ्री मेथड्स हैव बीन डिवाइस्ड टू आंसर दिस क्वेश्चन, द आई परसिस्टेंट मेथड, द नॉन परसिस्टेंट मेथड एंड द पी परसिस्टेंट मेथड। फिगर 2.10 जो है वो बिहेवियर बता रही है तीनों परसिस्टेंट मेथड का। हम लोग डिटेल के साथ साथ इनको देख लेते हैं। द आई परसिस्टेंट मेथड इज सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। इन दिस मेथड आफ्टर द सेशन फाइंड द लाइन आइडल, इट सेंड्स इट्स फ्रेम इमीडिएटली विद प्रोबेबिलिटी आई। दिस मेथड हैज द हाईएस्ट चांस ऑफ क्लियरिंग बिकॉज टू और मोर सेशन मे फाइंड द लाइन आइडल एंड सेंड देयर फ्रेम इमीडिएटली। इस मेथड में जैसे ही जो है स्टेशन देखेगा कि चैनल जो आपकी लाइन है जिससे उसने डाटा भेजना है वो खाली है तो फौरन वो डाटा भेज देगा, और कोई और स्टेशन है उस चैनल से जो कनेक्ट हुआ है वो भी जो है अगर भेजेगा तो इसमें कोलिजन के चांसेस ज्यादा है। यहाँ पे आपको जो फिगर है उसमें दिखाया गया कॉन्टिन्यूसली सेंस, वो सेंस करे जा रहा है तो लाइन जो है वो चैनल या लाइन जो वो बिजी है, जैसे ही उसने देखा कि वो खाली है तो उसने सेंस किया और ट्रांसमिट कर दिया। सेकेंड हमारे पास मेथड है नॉन परसिस्टेंट। इन द नॉन परसिस्टेंट मेथड अ स्टेशन दैट हैज अ फ्रेम टू सेंड सेंसेस द लाइन, इफ द लाइन इज आइडल इट सेंसेस इमीडिएटली। इफ द लाइन इज नॉट आइडल इट वेट्स अ रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम एंड देन सेंसेस द लाइन अगेन। इसमें अब ये है कि वो कंटीन्यूअसली सेंस नहीं कर रहा तो वो कुछ वेट करता है और उसके बाद फिर सेंस करता है एक रैंडम अमाउंट। The non-persistent approach reduces the chance of collision because it is unlikely that two or more stations will wait the same amount of time. अब इसमें collision के chances कम है क्योंकि इसमें जरूरी नहीं है कि हर station जो है वो एक ही जैसी amount के लिए wait करेगा। इसमें random amount of time के लिए हर station wait करेगा और फिर sense करेगा और अगर खाली मिला तो वो सब data send करेगा। However, this method reduces the efficiency of the network because the medium remains idle when there may be station with frames to send. तो इसमें ये थोड़ा सा लैक है एफिशिएंसी का। इसमें हम देखते हैं कि ये कैसे है, ये फिगर बी में देखें आप 12.10 का फिगर बी जो है स्टेशन जो है वो सेंस कर रहा है, फिर उसने वेट किया, फिर सेंस किया, फिर वेट किया, फिर जब उसको पता लगा कि वो खाली है तो फिर उसने डाटा भेजा। तो ये कॉन्टिन्यूसली सेंस नहीं करेगा, थोड़ा वेट कर करके रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम सेंस करेगा। थर्ड मेथड है हमारे पास P persistent. The P persistent method is used if the channel has time slots with the slot duration equal to or greater than the maximum propagation time. The P persistent approach combines the advantages of the other two strategies. It reduces the chance of collision and improves efficiency. In this method, after the station finds the line idle, it follows these steps. जब ये जो है सेंस करता है स्टेशन
वो देखता है कि लाइन जो है वो खाली है ट्रांसमिशन के लिए, तो वो ये वाले स्टेप जो अभी आपको आगे हम लोग पढ़ेंगे तो ये फॉलो करेगा। विद प्रोबेबिलिटी पी द स्टेशन सेंड्स इट्स फ्रेम, विद प्रोबेबिलिटी क्यू इज इक्वल टू वन माइनस पी द स्टेशन वेट फॉर द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट टाइम स्लॉट एंड चेक्स द लाइन अगेन, इफ द लाइन इज आइडल इट गोज टू स्टेप वन। मतलब कि आपके पास एक जो है प्रोबेबिलिटी के लिहाज से स्टेशन जो है वो सेंड करेगा फ्रेम, और विद प्रोबेबिलिटी क्यू इज इक्वल टू वन माइनस पी स्टेशन वेट्स फॉर द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट टाइम स्लॉट एंड चेक्स द लाइन अगेन, इफ द लाइन इज आइडल इट गोज टू स्टेप वन, इफ द लाइन इज वेरी इट एक्ट्स एज दो अकॉर्डिंग हैज अकर्ड एंड यूज इज द ब्लैक ऑफ प्रोसीजर बैक ऑफ प्रोसीजर। तो इसकी हम फिगर से देखते हैं कि इसमें क्या है, कंटिन्यूसली सेंस कर रहा है वो बिजी जा रहा है, प्रोबेबिलिटी आउटकम डज नॉट अलाउ ट्रांसमिशन। फिर उसने क्या किया है कि एक जो है टाइम स्लॉट है उसके लिहाज से फिर वो ट्रांसमिट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी आउटकम डज नॉट अलाउ ट्रांसमिशन, क्योंकि यहाँ पे उसका जो प्रोबेबिलिटी का हमने फॉर्मूला यहाँ पे देखा है वो उसके मुताबिक ट्रांसमिशन जो है वो नहीं कर रहा, क्योंकि प्रोपेगेशन टाइम जो है वो उसका उसके मुताबिक नहीं है। तो जब उसने देखा है कि ट्रांसमिट के लिए प्रोबेबिलिटी सही है तो फिर उसने ट्रांसमिट कर दिया। बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी वाला जो पार्ट है ये आपका वायरलेस कम्युनिकेशन या डिजिटल कम्युनिकेशन में शायद कहीं पे कवर हो रहा हो, तो यहाँ पे ये डाटा इस तरह से जा रहा है। पी परसिस्टेंट मेथड जो प्रोबेबिलिटी मेथड है बेसिकली इसमें हो गया है, इफ द चैनल हैज टाइम स्लॉट्स विद द स्लॉट ड्यूरेशन इक्वल टू और ग्रेटर देन द मैक्सिमम प्रोपेगेशन टाइम, द पी परसिस्टेंट अप्रोच कंबाइंस एडवांटेजेस ऑफ अदर टू स्ट्रेटजीज। तो ये दो जो हमने पहले मेथड पढ़े उनका कंबाइन करके बनाया गया, एक प्रोबेबिलिटी की वैल्यू बना ली गई है, जब वो आपके पास आएगी तो स्टेशन स्टैंड करेगा फ्रेम, और जब प्रोबेबिलिटी एक वैल्यू बना लेगी जब स्टेशन उसके लिए वेट करेगा और दोबारा उसके बाद फिर चेक करेगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें कैरियर एंड मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। द सीएसएमए मेथड डज नॉट स्पेसिफाई द प्रोसीजर फॉलोइंग अ कोलिजन, कैरियर एंड मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन आर्ग्यूमेंट्स द एल्गोरिथम टू हैंडल द collision. In this method, a station monitors the medium after it sends a frame to see if the transmission was successful. If so, the station is finished. If, however, there is a collision, the frame is sent again. To better understand CSMA/CD, let us look for the first bit transmitted by the two stations involved in the collision. Although each station continues to send bits in the frame until it detects the collision, we show what happened as the first bit collide in figure 12.12। स्टेशन ए की फर्स्ट बिट आप देख रहे हैं कि इसमें ट्रांसमिशन हो रही है जो डी तक जा रही है, तो आपके पास जो T1 से लेकर T4 का टाइम है वहां तक पहुंचने का, तो वो आपका ट्रांसमिशन टाइम है फर्स्ट बिट ए का, और उसके बाद जो है उसने बताया ए इज कोलिजन डिटेक्शन एंड कोलिजन अक्कर कहाँ हुआ है, फर्स्ट बिट सी के साथ जो है वो कोलिजन अक्कर हो गया, ठीक है। तो सी इज कोलिजन डिटेक्शन एबॉर्शन ये यहाँ पे हो रही है, तो उसके दरमियान जो टाइम डिफरेंस है वो ट्रांसमिशन टाइम यहाँ पे T2 से T3 बताया गया, और T4 जो है
वहां से इसको दोबारा बताया गया कि इसका जो फ्रेम है उसकी कोलिजन हो गई है सी के फ्रेम से। टाइम टी वन स्टेशन ए इन फिगर टू ए स्टेशन ए एंड सी आर इन्वॉल्व इन द कोलिजन एट टाइम टी वन स्टेशन ए हैज एग्जीक्यूटेड इट परसिस्टेंट प्रोसीजर एंड स्टार्ट सेंडिंग द बिट्स ऑफ इट्स फ्रेम एट टाइम टी टू स्टेशन सी हैज नॉट येट सेंड द फर्स्ट बिट सेंड बाय ए स्टेशन सी एग्जीक्यूटेड इट्स परसिस्टेंट प्रोसीजर एंड स्टार्ट सेंडिंग द बिट्स इन इट्स फ्रेम व्हिच प्रोपेगेट बोथ टू द लेफ्ट एंड टू द राइट The collision occurs sometime after time T2. Station C detects the collision at time T3. When it receives the first bit of A's frame, station C immediately or after a short time aborts transmission. Station A detects collision at time T4 when it receives the first bit of C frame. It also immediately aborts transmission. Looking at the figure, we see that A transmits for the duration T4 to T1, C transmits for the duration T3 to T2. Later, we show that for the protocol to work, the length of any frame divided by the bit rate in this protocol must be more than either of these durations. At time T4, the transmission of A's frame, though incomplete, is aborted. At time T3, the transmission of B's frame, though incomplete, is aborted. Now that we know the transmission time duration of the two transmissions, we can show a more complete graph in Figure 12.13. ये आपकी फिगर जो पॉइंट 12.13 है इसको जरा उसमें देखते हैं स्लाइड्स में। तो यहाँ पे आप देखें ए का जो फ्रेम है वो जा रहा है T1 से लेकर, तो हमारे पास 12.3 फिगर है, इसमें हम देखते हैं कोलिजन एंड एबॉर्शन कैसे हो रही है। ट्रांसमिशन टाइम अगर ए के फ्रेम का देखें हम लोग, जो बिट जा रहा है उसका है T1 से T4, और अगर हम सी का देखें तो वो भी जा रहा है T2 से T3, उसका ट्रांसमिशन टाइम है। तो कोलिजन कहाँ पर हुआ है, जहाँ पे T2 उसका टाइम स्टार्ट हुआ और T3 जहाँ पे उसका इतना स्लॉट जा रहा है, तो यहाँ पे कोलिजन है दोनों के दरमियान। तो यहाँ पे आपके पास जो बेसिकली T4 जो एक और टाइम स्टार्ट हुआ है वहां पे T4 आपको नजर आ रहा है, जहाँ लिखा हुआ है कि A detects collision and abort। यहाँ पे A ने जो है वो collision detect किया और abort कर दिया। इसी तरह C ने detect collision किया है T3 पे और उसने भी वहां पे abort कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, अ नेटवर्क यूजिंग CSMA CD हैज अ बैंडविड्थ ऑफ 10 Mbps की बैंडविड्थ है। इफ द मैक्सिमम प्रोपेगेशन टाइम इंक्लूडिंग द डिले इन द डिवाइस एंड इग्नोरिंग द टाइम नीडेड टू सेंड अ जैमिंग सिग्नल इज 25.6 माइक्रोसेकंड। ये अब आपके पास मैक्सिमम प्रोपेगेशन टाइम जो है वो TP होता है, हम लोग ये अलोहा में पढ़ चुके हैं पहले, TP DFR बैक ऑफ टाइम था एक, तो ये बराबर है आपके पास 225.6 माइक्रोसेकंड। तो वो यहाँ पे सवाल ये है कि व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ द फ्रेम, तो फ्रेम का साइज हमने बताना है। तो इसमें हमारे पास जो द फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम TFR है उसका फार्मूला होता है T2 इनटू मैक्सिमम प्रोपेगेशन टाइम TP या प्रोपेगेशन टाइम, तो ये आ जाएगा 51.2 माइक्रोसेकंड। तो साइज ऑफ द फ्रेम का मतलब है कि डेटा साइज, मतलब तो उसका फॉर्मूला हम देखते हैं, मिनिमम साइज ऑफ द फ्रेम इज 10 Mbps इनटू 51.2 माइक्रोसेकंड। तो ये आपके पास 512 बिट या 64 बाइट, दिस इज एक्चुअली द मिनिमम साइज ऑफ द फ्रेम फॉर स्टैंडर्ड इंटरनेट एज वी विल सी इन चैप्टर 13। ईथरनेट के स्टैंडर्ड के लिए ये मिनिमम साइज होता है बेसिकली 64 बाइट या 512 बिट। तो 10 Mbps को आप मल्टीप्लाई करेंगे
51.2 माइक्रोसेकंड्स है, तो आपके पास जो है वो डाटा मिनिमम साइज फ्रेम का जो है वो आ जाएगा डाटा साइज। नेक्स्ट हम लोग फ्लो डायग्राम देखते हैं सीएसएम में सीडी की कोलियन डिटेक्शन की। तो यहाँ पे हम लोग उसी में ही देखते हैं, वहाँ ज़्यादा क्लियर होगी। इसका प्रोसीजर जो है वो आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन हम लोग यहाँ से फ्लो चार्ट से देख लेते हैं। फ्लो डायग्राम से एक स्टेशन ने एक हमने के जो है वो रखा है कि एक नंबरिंग रखी है लूप में, लूप चलाने के लिए कि अगर सेंड होता है तो कोलियन डिटेक्ट होता है दोबारा सेंड, जैसे हमने अलोहा में देखा था। स्टार्ट किया के इज इक्वल टू जीरो है, अप्लाई वन ऑफ द परसिस्टेंट मेथड आई परसिस्टेंट नॉन परसिस्टेंट और पी परसिस्टेंट, वो जो है डिटेक्ट करता रहेगा बार बार स्टेशन जो है चैनल को या लाइन को या मीडियम को। तो उसके मुताबिक ये तीन जो परसिस्टेंट मेथड है तो एलिजिबल हुआ ट्रांसमिशन के लिए तो ट्रांसमिशन डन या कोलिजन डिटेक्टेड, अगर जो है ट्रांसमिशन यस हो गई है और ट्रांसमिशन रिसीव हो गई है तो डन की तरफ चला जाएगा और बता देगा, और अगर ट्रांसमिशन जो है क्या कहते हैं कोलिजन डिटेक्ट यस और नो पे है तो कोलिजन डिटेक्टेड में अगर नो है तो सक्सेस है और यस है तो एक जैमिंग सिग्नल जाएगा जो उसको रोकेगा, और फिर के की वैल्यू में के प्लस वन होगा और के इज इक्वल टू के मैक्स हमने पहले ही पढ़ा था कि इज नॉर्मली 15 है। तो उसके बाद फिर अगर उसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर 15 से ग्रेटर है तो नो चूज अ रैंडम नंबर आर बिटवीन 0 एंड 2 के माइनस 1, ये भी हम मेथड देख चुके हैं। तो उसके बाद वेट टाइम पे ये फॉर्मूला आर इंटू टी पी आर इंटू टी एफ आर, और फिर जो है वो दोबारा से सेंड करेगा वो थोड़ा सा वेट करने के बाद, और अगर के की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है अगर के ग्रेटर हो जाता है 15 से तो यस तो अबॉर्ट हो जाएगा। तो ये तो इजी है, पहले भी हम लोग इसका फ्लो चार्ट जो है एक पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं अलोहा के टॉपिक में। इसका प्रोसीजर आप पढ़ लीजिएगा, ये जो लिखा हुआ है बहुत ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है। एनर्जी लेवल भी इसी के अंदर आया था, थ्रूपुट में बता चुका हूँ कि क्या होता है थ्रूपुट ऑफ सीएसएम इज ग्रेटर देन द प्योर लोअर स्लॉटेड लॉ। इसका थ्रूपुट जो है प्योर लोअर स्लॉटेड लॉ से ग्रेटर है। द मैक्सिमम थ्रूपुट अकर्स एट डिफरेंट वैल्यू ऑफ जी एंड इज बेस्ड ऑन द परसिस्टेंट मेथड एंड द वैल्यू ऑफ पी इन द प्री परसिस्टेंट मेथड। द फॉर आई परसिस्टेंट मेथड द मैक्सिमम थ्रूपुट इज अराउंड 50% when g is equal to 1. For non-persistent method, the maximum throughput can go up to 90% when g is between 3 and 8. So throughput ka formula g jo hai aapko slower mein humne example kiye hain wo dekh sakte hain. Isme hamare paas carrier sense multiple access with collision avoidance aa jata hai. Iske bare mein padhte hain ki CSMA CA, the basic idea behind CSMA CD is that a station needs to be able to receive while transmitting to detect a collision. When there is no collision, the station receives one signal, its own signal. When there is a collision, the station receives two signals, its own signal and the signal transmitted by a second station. The distinguish between these two cases, the signal must be significantly different. In other words, the signal from the second station needs to add a significant amount of energy to the one created by the first station. In a wired network, the received signal has almost the same energy as the sent signal because either the length of the cable is short or there are repeaters that amplify the energy between the sender and the receiver. This means that in a collision, the detected energy almost doubles. However, in a wireless network, much of the sent energy is lost in transmission. The received signal has very little energy. Therefore, a collision may add only 5-10% additional energy. This is not useful for effective collision detection. We need to avoid collision on wireless network because
they cannot be detected. Carriers and multiple access with collision avoidance was invented for this network. Wireless networking जो होती है हमारी उसके अंदर ये वाली जो है टाइप जो है वो लाई गई कैरियर्स ऑन मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस. कोलिजन आर अवॉइडेड थ्रू द यूज ऑफ CSM में ICA3 स्ट्रेटजी द इंटर फ्रेम स्पेस द कंटेंशन विंडो एंड एक्नॉलेजमेंट्स. इंटर फ्रेम स्पेस IFS फर्स्ट कोलिजन आर अवॉइडेड बाय डिफरिंग ट्रांसमिशन इवन इफ द चैनल इज फाउंड आइडल. When an IDL is found, the station does not send immediately. It waits for a period of time called the interframe space or IFS. Even though the channel may appear idle when it is sensed, a distant station may have already started transmitting. The distant station signal has not yet reached this station. The IFS time allows the front of the transmitted signal by the distant station to reach this station. If after the IFS time the channel is still idle, the station can send, but it still needs to wait a time equal to the connection time. The IFS variable can also be used to prioritize. In GSMA ICA, the IFS can also be used to define the priority of station or a frame. Contention window gaps may the contention window is an amount of time divided into slot. A station that is ready to send uses a random number of slot as its wait time. The number of slots in the window changes according to the binary exponential backup strategy. This means that it is set to one slot the first time and the double each time. The station cannot detect an idle channel after the IFS time. This is very similar to the p-persistent method, except that a random outcome defines the number of slots taken by the waiting station. One interesting point about the contention window is that the station needs to send the channel after each time slot. In CSMA ICA, if the station finds the channel busy, it does not restart the timer of the contention window. It stops the timer and restarts it when the channel becomes idle. After the acknowledgement, with all these precautions, there still may be collision resulting in destroyed data. In addition, the data may be corrupted during the transmission. The positive acknowledgement and the timeout timer can help guarantee that the receiver has received the frame. इसका फ्लो ग्राफ देखते हैं, इसका प्रोसीजर पढ़ लीजिएगा. स्टार्ट केस इक्वल टू जीरो पे आइडल चैनल नो है तो हमने उसको यस किया. अगर चैनल आइडल है तो वेट किया फर्स्ट टाइम टिल आइडल, फिर चेक कर रहा है यस टू द रैंडम नंबर आर बिटवीन ओ एंड के. आफ्टर ईच स्लॉट इफ आइडल कंटिन्यू इफ बिजी हॉल्ट एंड कंटिन्यू व्हेन आइडल. तो फिर वेट किया आर स्लॉट्स के लिए, फिर सेंड किया फ्रेम, वेट टाइम आउट, एक्नोलेज और रिसीव यस और सक्सेस. अगर नहीं तो फिर के इज इक्वल टू के वन, वही प्रोसीजर और फिर दोबारा से स्टार्ट आइडल चैनल चेक करने के लिए. तो ये आप पढ़ लेना तो आपको समझ आ जाएगा. नेक्स्ट पे हमारा टॉपिक कंट्रोल्ड एक्सेस और उसके बाद चैनलाइजेशन वगैरह है, तो हम वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. तो अब तक के लिए इतना ही है इस लेक्चर में. अल्लाह हाफिज़.